गे सुरेंद्र कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, मनुष्या उय कम्मा शरीर प्रयोग बंधे हणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदयेणम गोयमा पग इ भद्दयाय पग इ विणीययाय सानुकोशयाय अमच्छरियाय। मनुष्या उय कम्मा शरीर प्रयोग नामा इ कम्मस्य उदयेणम मनुष्या उय कम्मा शरीर प्रयोग बंधे। प्रश्न किया गया है, मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? नरक गति का आयुष्य और त्रियंच गति का आयुष्य बंधने के कारणों पर मैंने गत दिनों में बताया था, विगत दो दिनों में। आज यह प्रश्न है कि तीसरी गति है मनुष्य गति। मनुष्य गति का आयुष्य बंध किन कारणों से होता है? बताया गया है भगवती सूत्र में कि मनुष्य गति आयुष्य बंध के कारण है प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सानुक्रोशता, अमत्सरता। मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय, यो पांच कारण बताए गए हैं। मनुष्य गति का आयुष्य बंधना और संगी मनुष्य होना एक दुर्लभ जीवन को प्राप्त करना होता है। इस मनुष्य गति का आयुष्य बंध का कारण समूह जो बताया गया है, वे चारों कारण यों एक गुणात्मक सद्गुणात्मक कारण है, अशुभात्मक ऐसे प्रतीत नहीं होते। सद्गुणात्मक प्रकृति भद्रता, प्रकृति से भद्र होना, भला होना, भला आदमी है, भला आदमी, भला होना, भद्र होना, ज्यादा दाव पेंच छल कपट इन चीजों में ज्यादा लिप्त नहीं होना, भला आदमी, भला स्वभाव, यह भलपन है, भद्रता है। यह मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण बन जाता है, बन सकता है। आदमी को यह सोचना चाहिए कि आखिर जीना है कितना, है वर्तमान पंचम अर में पहले की अपेक्षा अब तो और आयुष्य कम हो गया है। जहाँ तीन पल्योपम का आयुष्य, दो पल्योपमकार, एक पल्योपमकार, करोड़ पूर्वकार, उनको देखें तब तो आज तो उम्र है कितनी। सौ पार करने वाले भी मानो अंगुली गृहित नाम ध्येय लोग मिलते हैं। कि सौ पार के कितने लोग हैं, अंगुली में गिनने इतने कोई मिल जाए तो मिल जाए, यानी ज्यादा संभवतः है, प्रायः है, नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग वर्तमान में सौ पार नहीं करते हैं, सौ के अंदर अंदर चले जाते हैं। साध्वी बिदामा जी हमारे धर्मसंघ में हैं, तेरा पंथ के आज तक के इतिहास में एक ही चारित्रात्मा हुई है जिसने जीवन के सौ पार करके 105 के आसपास की उम्र में है, एक ही चारित्रात्मा हुई है। पहले कभी कोई चारित्रात्मा सौ पार करने वाली हुई नहीं।
इसका मतलब इतनों में एक हुई है, कितने कम सो पार करने वाले होते हैं। तो भी इतना सा जीवन काल है, कुटिल तार दाव पेंच ठगी धोखाधड़ी क्यों करें, भला जीवन जियो, भला स्वभाव रखें। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नमन खमन अरु दीनता, सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। कि बड़ा कौन होता है, कबीर जी वाले दोहे में कहा गया, बड़ा कौन है, नमन नम्रता है तो बड़ा है आदमी, खमन क्षमाशीलता है तो बड़ा है, दीनता मान ले भक्ति भाव है आराध्य के प्रति तो बड़ा आदमी है। सबका आदर भाव, सबके प्रति एक सद्भाव है, सबके प्रति सद्भाव आदर का भाव यथा योग्य है। कहे कबीरा वही बड़ा, मानो कबीर जी कहते हैं वही आदमी बड़ा है। एक छोटा सा उत्तर है, जाका बड़ा स्वभाव, जिसका स्वभाव बड़ा है वो आदमी बड़ा है। आकृति और प्रकृति, आकृति कैसी है, कितनी सुंदर है, वो एक अलग फैक्टर, अलग विषय हो सकता है, पर प्रकृति कैसी है, प्रकृति अच्छी है तो आदमी अच्छा है। ठीक है, शरीर का चेहरा भले अच्छा न भी हो, उस दृष्टि से अच्छा न भी माने, पर प्रकृति अच्छी है तो आत्मा की दृष्टि से अच्छी बात है। तो नम्रता और क्षमाशीलता और दीनता, दीनता का मतलब यो मान ले भी अपने पूजनीय हैं, आराध्य हैं, उनके प्रति भक्ति का भाव है, ये उनके सामने हम छोटे हैं, हम लघु हैं, बड़ों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने का हम प्रयास न करें, ये बड़े बड़े हैं, तो बड़ों के प्रति दीनता, हम आपके टाबर, हम आपके सामने बच्चे हैं, आपके बेटे टाबर जो हैं, यानी बड़ों को महत्व दिया जा रहा है। और जाका बड़ा स्वभाव, स्वभाव बड़ा है तो हम बड़े हैं, स्वभाव ओछा है, प्रकृति खोड़ीली है, क्षुद्र है, तो हम तुच्छ हैं, छोटे हैं। श्रीमद् जयाचार्य की वो ढाले हैं, खोड़ीली प्रकृति नो धनी चोखी प्रकृति को धनी, ये जो पद्य हैं, गीतिकाएं कह दें, इनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हमारे साधु साध्वियाँ चारित्र आत्माएँ भी हैं, समणियाँ भी हैं, जयाचार्य के अच्छे वो गीत हैं जिनमें शिक्षा भी है, भी साधु खोड़ीली प्रकृति वाला कैसे बनता है और चौखी प्रकृति वाला कैसा बनता है। किसी का दोष बता दिया, वास्तव में गलती है तो भी स्वीकार कर लो, मधेण वंदानी कृपा कराई, ठीक है तो ये तो अच्छी प्रकृति हो गई। कोई साधु कह दे तू थारो ध्यान रख, तू थारो ध्यान रख, मारी तरफ मत देख, एक तो भी आपको आपकी गलती बताई है, वास्तव में प्रमाद है भी कि तू थारो ध्यान रख, मारी चिंता मत कर तू, तो भी ठीक है, ऐसा भी जवाब तो हो सकता है कोई दे, तो एक भी आपने कृपा करी, गलती बताई, कृपा करी, या आगे ध्यान रखने का भाव है तैत महाराज, ऐसा कह दे, तो बड़ों का एक सम्मान हो गया, विनय हो गया। तो तैत बोलना हमारी परंपरा रही कि भी तैत बोलो, तैत तैत बोलना ये एक रीति परंपरा रही है, विनय भाव से तैत बोलो। बड़ों ने कहा भाई देखो ऐसे दौड़ना, छोटे साधु को कह दिया ऐसे दौड़ना नहीं, दौड़ना नहीं, तो तैत महाराज मुझे मुंडा कृपा कराई, ऐसे बोलना अच्छा है। हमारे सन्मति शिक्षण के संत कहाँ गए, सन्मति वाले वो संत है ना, आगे नहीं बैठे, हालांकि उनकी व्यवस्था वही, अभी व्यवस्था वही है, अभी वो अपनी व्यवस्था से ही बैठे हैं, वो ठीक उन्होंने किया ठीक ही है, मुझे तो वो याद आ गई छोटे संतों को देखा नहीं तब, बाकी उनकी व्यवस्था ठीक है, वो सही है, अपनी व्यवस्था से बैठे हैं। तो कई छोटे संतों को कोई कह दे कि ये ठीक नहीं किया, एक तो वापिस जवाब दे, थोड़ा साम वो गुस्से में सामने बोले एक भी तैत महाराज, तैत महाराज गलती है, तैत कृपा कराई, तैत महाराज अगर ध्यान रखने का भाव भी बोल सकते हैं जैसा उचित हो,
ये विनय की बात हो गई। खमन क्षमाशीलता हो, तत्काल बहुत तेज गुस्सा आ गया और गालियां बोलनी शुरू कर दी, अकबक बोलना शुरू कर दिया, तो क्षमाशीलता में हमारी कमी माननी चाहिए। और दीनता है, बड़ों के आराध्य के प्रति दीन है, उनके सामने हम आपके चाकर हैं, माने चाकर राखो जी, हम आपके चाकर हैं, बड़ों के हम चाकर हैं, जैसे गुरु हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने आंखों से देखा है, हम में से कितने उनके पास रहे हैं, तो मानो हम उनके चाकर हैं, हमारे गुरु, हम आज के चरणों के चाकर हैं, जो भी सेवा का मौका हमको मिले, तो हमारे गुरु हैं आचार्य तुलसी गुरु, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव गुरु थे, तो गुरु की सेवा मिले और सेवा मिले न मिले, गुरु की आज्ञा में रहना भी, इंगित में रहना भी अच्छी बात है, बाकी जहां गुरु रखें वही गुरु की सेवा मान ले। तो दीनता और सबका आदर भाव, आदर भाव, आदर जो उचित व्यवहार हो वो सद्भाव कह दें, छोटों के प्रति भी सद्भाव है, छोटे संत आए हैं उनके प्रति सद्भाव, उनको कोई शिक्षा दे सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं, उनका हित हो, हित शिक्षा, उनको कोई हित शिक्षा भी दी जा सकती है। तो ये भगवती सूत्र में बताया गया, प्रकृति भद्रता मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण है, और प्रकृति विनीतता, प्रकृति से विनीत होना, विनीत होना, उद्दंडता नहीं करना चाहिए हमको, हमें अपने जीवन में उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, हमें विनीतता का भाव रखना चाहिए, प्रकृति से विनीत हूं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिंटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल। तो भाई चिंटी छोटी है तो वो तो थोड़ी सी चीनी का दाना लेकर के छोटी है तो मुंडे में ले लिया और खा भी लिया मान लो, हाथी के सिर में धूल तक आ सकती है, कुछ सूंड से ऐसे ऐसे करे तो सिर पे धूल पड़ सकती है। तो लघुता है, अनेक संदर्भों में एक बात हो सकती है, लघु किस रूप में बने, आचरणों से लघु न बने, विनम्रता के संदर्भ में हम लघु छोटे बने, आप बड़े हैं, वास्तव में आप बड़े हैं, हम आप छोटे हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे अगवाणी हैं, जो आप रत्नाधिक हैं, हम आपसे छोटे हैं, तो रत्नाधिक बड़े हैं, अवमरात्मिक उस संदर्भ में छोटे होते हैं, कोई पद से भी बड़ा हो सकता है कि पदे न बड़े हैं, तो आदमी बड़ा अनेक कोणों से हो सकता है। भगवत हमारे आगम में जो कहा गया, जाति स्थवीर पर्याय स्थवीर श्रुत स्थवीर, कोई जन्म से उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, संसार में सामान्यतया उम्र दराज बड़ा, उसको भी हमारी उम्र में बड़े लोग हैं उनका मान सम्मान रखें, संसार में ऐसा भी होता होगा। और हम साधु समुदाय में देखें, दीक्षा पर्याय में जो बड़ा है वो बड़ा है, जिससे जो बड़ा उससे वो बड़ा है, तो बड़े को बड़े के रूप में मान सम्मान दे। और ज्ञान में बड़ा है श्रुत स्थवीर, जो श्रुत से बड़ा, वैसे पर्याय स्थवीर तो 20 वर्ष हो जाए वो, वैसे जिससे जो बड़ा वो उसके लिए बड़ा होता है। और पद से भी कोई बड़ा हो सकता है, स्थान से बड़ा हो, हमारे मुख्य मुनि है तो मान लो, पर्याय में तो कईयों से छोटे हैं, अनेकों से छोटे हैं संतों से, पदे न तो वो पद के हिसाब से तो बड़े भी है ना, तो आदमी पद से भी बड़ा हो सकता है, भले उम्र में छोटे भी हों, दीक्षा पर्याय में भले छोटे भी हों, पर पदे न बड़े हैं तो उस संदर्भ में वो बड़े ही हैं। ठीक है, रत्नाधिक हैं तो वो दीक्षा पर्याय में वे बड़े, तो उनको रत्नाधिकों को वंदना करना मान लो काम छोटों का है, पर जहां व्यवस्था की बात है और बात है, वहां पद से बड़े की बात है, वो जो बात वो कर सकता है वो बात हर आदमी नहीं भी कर सके, तो आदमी पद से भी बड़ा होता है। साध्वी प्रमुखा जी हैं तो साध्वियां रत्नाधिक तो हैं, रत्नाधिक हैं तो वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, पर जहां व्यवस्था अधिकार की बात आएगी वहां चूंकि साध्वी प्रमुखा जी हैं तो वो बड़े हैं, कोई आज्ञा लेनी तो उनसे लेनी होगी, कोई पूछना करना तो उनसे पूछना, क्योंकि वो पदे न बड़े हैं, साध्वी वरिया है तो पदे न बड़ी है, उम्र में भले छोटी हो
पर्याय में भले छोटी हो, पर जहाँ कोई वैधानिक बात आए तो फिर साध्यवरिया भी बड़ी है। 50 वर्ष की दीक्षित साध्या, पर व्यवस्था की कोई बात आए, जैसा विधान व्यवस्था है, तो साध्यवरिया उस संदर्भ में बड़ी है। तो ये बड़ा होना अनेक संदर्भों में हो सकता है, तो पर्याय से बड़ा होना भी बड़ी बात है। कि गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, बड़े संत जो उनसे बड़े थे दीक्षा में पदार्थे चतुर्मास के बाद, गुरुदेव तुलसी पत्त से नीचे उतर करके, नीचे विराज करके उनको तिखु तो ऐसे वंदना किया करते थे। बड़े संतों को आचार्य के लिए तिखुता बोलना आवश्यक नहीं है, पर आचार्य के लिए अपेक्षित है, वो बड़ों संतों के लिए तिखु तो से उनको वंदन करें, क्योंकि पर्याय में बड़े वे हैं। पद की अपेक्षा आचार्य बड़े हैं कि आचार्य पट पर हैं, उनसे बड़े संत नीचे बैठे हैं, क्योंकि पद से वे आचार्य बड़े हैं। इसलिए जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो अपने से जो बड़े हैं उनका मान सम्मान उचित रूप में रखना। आचार्य के लिए भी बड़े संतों का सम्मान रखे, मान रखे, दीक्षा में बड़े हैं उनको वंदन करो, अच्छी तिखु तो से अच्छी, वो आचार्य का मानो कर्तव्य है। और जहाँ व्यवस्था आदि की बात है, तो बड़े संत आचार्य से पूछे, उनसे आज्ञा ले, उनकी आज्ञा में रहे, ये बड़ों का भी धर्म होता है। तो ये विनीतता भगवती सूत्र में जो कहा गया, प्रकृति विनीतता मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण है। सानुक्रोशता, सानुक्रोशता थोड़ा सा नया शब्द हो सकता है कईयों के लिए, यह आक्रोश करना नहीं है, अनुक्रोश करना। अनुक्रोश क्या है? सानुक्रोश दया रखना, दया। अनुक्रोश नाम दया, क्यों दया अनुक्रोश? कृपानुकंपा अनुक्रोश हो, अनुक्रोश नाम कृपा दया वो रखना। सानुक्रोश दया सहित होना, दया के भाव रखने से मनुष्य गति आयुष्य का बंद हो सकता है। और अमत्सरता ईर्ष्या नहीं रखने, ईर्ष्या नहीं रखना, ईर्ष्या न रखे, अनिर्ष्या भाव हो तो मनुष्य गति आयुष्य का बंध। तो ये चार जो कारण हैं, प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सानुक्रोशता और अमत्सरता, ये और साथ में वो उस आयुष्य कर्म शरीर, मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय, तो मनुष्य गति का आयुष्य बंद हो सकता है। तात्विक बात बताऊं तो जो मनुष्य अगली गति में मनुष्य का आयुष्य बंद करता है, इसका मतलब वो मिथ्यात्वी जीव है। मिथ्यात्वी ही, मिथ्यात्वी मनुष्य ही अगले जन्म में के लिए मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकेगा, सम्यक्त्वी नहीं कर पाएगा। अगर कोई सम्यक्त्वी है, सम्यक्त्वी अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा कोई आदमी, तो वह न नरक का करेगा, न त्रियंत का करेगा, न मनुष्य का करेगा, न भवनपति का करेगा, न व्यंतर का करेगा, न ज्योतिष का करेगा, वो केवल एक वैमानिक का ही आयुष्य बंद कर सकेगा। न स्त्री का, न नपुंसक का, पुल्लिंग पुरुष के रूप में वो पैदा हो सकेगा। तो सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंद होगा, तो वो मनुष्य गति का आयुष्य, मनुष्य है तो मनुष्य गति के आयुष्य का बंद नहीं कर सकेगा। इसका मतलब हुआ कि ये मनुष्य मनुष्य गति का आयुष्य बांधे तो बहुत कोई खुशी की बात नहीं है, क्यों? वो तो मिथ्यात्वी जीव है, मिथ्यात्वीपणे में बंद कर रहा है, तब मनुष्य गति का आयुष्य बांध रहा है। सम्यक्त्वी होता तो मनुष्य का आयुष्य नहीं बांधता। वो मेघ कुमार के जीव ने हाथी के भव में तो मनुष्य गति का आयुष्य बांधा, तो अनुक्रोश दया का भाव था, अनुकंपा का भाव था, तो जिस समय वो मनुष्य गति का आयुष्य बांधा है तब वो सम्यक्ति नहीं था। क्यों दिनेश जी? सम्यक्ति नहीं था यह सिद्धांत है। अगर सम्यक्ति होता वो हाथी, तो मनुष्य का नहीं, वो देवगति की आयुष्य बंध की संभावना। इसलिए यह मनुष्य गति अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उसके कारण भी बताए गए हैं। हम अपने जीवन में भद्रता आदि गुणों का विकास करें, भद्रता आदि के साथ संयम है, श्रावकपना आदि है, तो भद्रता आदि होने पर भी देवगति का आयुष्य बंद हो सकेगा।
अगर कोई आयुष्य का गंध होगा तो हम सद्गुणों का विकास करें, विकास रखें, यह कम्य है।